Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Today I am trying lippanard for the first time. इसके लिए सबसे हम पहले बेस बनाएंगे ताकि हम जो भी हमारा हार्डबोर्ड कवर करें या फिर कार्डबोर्ड कवर करें तो कलर जो भी हम उस पर करें वो ब्राइट होकर आए. इसके लिए आपको कोई सा भी टेलकम पाउडर, वाइट एक्रेलिक कलर, फेविकॉल और थोड़ा सा वाटर चाहिए. एक अच्छी सी लेयर हमारे हार्डबोर्ड पे या कार्डबोर्ड पे लगाना, एटलीस्ट 2 to 3 कोट इज मिनिमम, एंड फॉलो द स्टेप्स एज आई एम डूइंग. देन आई विल बी प्रिपेयरिंग अ कोन. इसके लिए आप कोई सी भी पतली सी प्लास्टिक सी शीट ले लेना और उसको पहले ट्राइंगल काट के एंड देन जस्ट रोल इट. टेपिंग अच्छे से कर लेना वरना वो लीक होगा जो भी हम इसके अंदर लिप्पन आर्ट का सोल्यूशन ऐड करेंगे, जो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है. तो आप अच्छे से टेपिंग करना जैसे मैंने करी है. और आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं वाइल डूइंग द टेपिंग. सो माई कोंड इज रेडी एंड नाउ हम सोल्यूशन बनाएंगे जिससे लिप्पन आर्ट होगा. इसके लिए आप चॉक पाउडर ले सकते हो, बहुत ईजीली अवेलेबल होता है मार्केट में. और एकदम गाढ़ी वाली फेविकॉल, गाढ़ी मीन्स थिक वाली फेविकॉल, उसमें बिल्कुल भी वाटर ऐड मत करना वरना जब हम करेंगे तो वो सूखेगा नहीं, तो उससे हमारा लिप्पन आर्ट ख़राब हो जाएगा. एंड देन आपको वो जो सोल्यूशन है वो हमारे कोन के अंदर अच्छे से फिल करना है. फिल इट नाइसली एंड देन टाई द नॉट एट द एंड. स्टार्टिंग की एज को इवनली कट कर लेना. एंड देन मैंने एक रफ सा स्केच बना लिया है हमारे हार्ड बोर्ड पे. आप कोई सा भी पैटर्न फॉलो कर सकते हो, मैं उसके ऊपर ही ट्रेस कर रही हूँ हमारे सोल्यूशन के साथ. अगर आपको मेहंदी आती है तो इट विल वेरी ईजी फॉर यू गाइज टू मेक दिस. एंड आई एम रियली रिकमेंडिंग यू टू मेक लिप्पन आर्ट एट योर होम. बिल्कुल भी इतनी मेहनत नहीं लगती, बहुत ईजीली बन जाता है और बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है. तो जस्ट रेंडमली गोइंग विद द प्रोसेस, जो जो इच्छा करती है वो कर सकते हो. इसे करते टाइम बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होता है ना, वो मिलता है. और मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी प्रोसेस को करने में, खासकर ये वाले प्रोसेस को. इसको अच्छे से आप 2 to 3 आवर्स मैक्सिममली ड्राई होने रख दो एंड देन जस्ट चूज अ ब्यूटिफुल कलर कॉम्बो. आप एक ब्राइट सा कलर कॉम्बो चूज़ करना. मैंने यहाँ येलो और ग्रीन का चूज़ करा है. जहाँ पे हमने बेस करा था ना वहीं पे ही हमें ये ऐड करना है. और इवनली स्प्रेड कर देना अच्छे से कलर. और अगर आपका कलर बाहर भी निकले तो डू नॉट टेक टेंशन, बिकॉज हम इस पर वाइट एक्रेलिक से आउटलाइन करेंगे जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ, तो उससे और 3D वाला इफेक्ट आ जाएगा. और मैंने ग्रीन कलर भी अप्लाई कर दिया था बैक कैमरा. आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पिंग यू गाइज. अगर आप बना रहे हो लिप्पन आर्ट तो, और अगर नहीं बना रहे हो तो आई एम गिविंग मोटिवेशन, प्लीज़ बनाओ. बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा इफेक्ट भी देता है. देन आई एम स्टिकिंग मिरर्स यूजिंग वाइट ग्लू फेविकॉल. एंड ये ईजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं, 20 to 30 रुपीज़ में आ जाते हैं. और लिप्पन आर्ट में मिरर्स नहीं लगाया ना तो स्ट्रेंथ नहीं आएगी और वो जो जान होती है ना वो नहीं आएगी. तो मिरर ज़रूर लगाना अच्छे से, जहाँ जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ लगा लेना. सेंटर मत भूलना, सेंटर में एक अच्छा सा सर्कल सा मिरर लगा देना. लिप्पन आर्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट पैटर्न्स में बनता है, आप कोई सा भी पैटर्न यूज़ कर सकते हो. और मैंने थोड़ा सा मंडाला वाला टच देने की कोशिश करी है. टिप ऑफ द पेंसिल से डिप करा है कलर में एंड देन जस्ट मेक सम रैंडम पैटर्न्स. आई एम रियली प्रिटी मच सेटिस्फाइड विद द आउटकम. एंड इफ़ यू आर ट्राइंग मंडाला
इफ यू आर ट्राइंग लिपन आर्ट आफ्टर सीइंग दिस वीडियो तो प्लीज़ आप डीएम करना या कमेंट में बताना. आई विल बी रियली हैप्पी आफ्टर सीइंग योर कमेंट. एंड लुक हाउ ब्यूटिफुल दिस लुक्स. लिटरली मैं कह रही हूँ आप ज़रूर इसे ट्राई करना. सब्सक्राइब मत भूलना, सब्सक्राइब भी करना गाइज. एंड लाइक शेयर एंड कॉमेंट कि आपको नेक्स्ट कौन सी वीडियो चाहिए. और ये एकदम राजस्थानी इंडियन लुक वाइब्स देता है, तो आप एज अ डेकोरेटिव पीस आप इसे दिवाली में या कोई फेस्टिवल में भी यूज़ कर सकते हो. टॉप ऑफ द टेबल और या फिर आपके बाहर बालकनी में कहीं पे भी बहुत प्रिटी लगेगा. तो आई होप यू लाइक दिस. बाय.